दोस्तों इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं EKSA E900 गेमिंग हेडफोन की। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा भाई कैसा है ये प्रोडक्ट, कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी और कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको इसमें सुनने को मिल जाती है, और क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है नहीं। और इस प्रोडक्ट के अलावा और भी जितने भी गेमिंग हेडफोन आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं 2000 रुपीज़ और 3000 रुपीज़ के बजट के आसपास में, उनमें से कौन कौन से हेडफोन्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, इसकी भी सजेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फिर गलती से भी इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना। अगर आप एक गेमिंग हेडफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो फटाफट से भाई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और इस बेल आइकन पर भी टैप कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये बॉक्स हमारे EKSA के E900 गेमिंग हेडफोन का, ये सामने की तरफ इसका मॉडल नंबर दिया गया है और यहाँ पीछे इसके कुछ की हाइलाइट्स और कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी मेंशन है, और यहाँ साइड में भी है इसके कुछ फीचर्स और साथ ही में बॉक्स कंटेंट्स की एक लिस्ट दे रखी है जिसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे चल करके बात करने वाले हैं। फिलहाल हम कर लेते हैं फटाफट से अपने इस बॉक्स को ओपन और देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर हमें सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं हमारे इस बॉक्स की मेन यूनिट जो कि भाई हमारा हेडफोन। फिलहाल यार मैं रख देता हूँ इसको साइड में और देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स हमें इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी केबल्स देखने को मिल जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे बात करेंगे। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें देखने को मिल जाता है और सबसे एंड में हमें देखने को मिल जाता है EKSA की तरफ से एक थैंक यू कार्ड, और इसी थैंक यू कार्ड में 24 मंथ्स की वारंटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 2 साल की वारंटी आपको इसकी मिल जाती है। बात करें अगर इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तो इंग्लिश और चाइनीज दोनों ही लैंग्वेज में इसमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वैसे मुझे नहीं लगता वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको इसको रीड करने की नीड पड़ेगी। अब हम वापस आते हैं अपने इस मेन यूनिट की तरफ और देखते हैं कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसा है इसका लुक एंड डिज़ाइन। वैसे उठाने में मुझे ये हेडफोन काफ़ी लाइट वेट का लग रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बात करें अगर हम सबसे पहले इसके लुक एंड डिज़ाइन की तो भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये जो रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया गया है भाई, ये एकदम इसको कूल लुक दे देता है जैसा कि गेमिंग हेडफोन में होना चाहिए। और ये जो इसका हेडबैंड है यहाँ पर हमें EKSA की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो इसे प्रीमियम बना देती है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो भाई जो इसका हेडबैंड है इसमें लेदर मेटल का यूज़ किया गया है, और जो इसका आर्म है ये एल्यूमिनियम का है, और इसको आप अपने हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये राइट वाले एरिया में आर मेंशन है, ठीक इसी तरह लेफ्ट साइड वाले एरिया में एल मेंशन है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको पहन सकते हैं। बात करें अगर हम इसके ईयर मफ्स की तो ये प्रोटीन मेमोरी फोम वाले ईयर मफ्स का इसमें यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ये। मैंने 1 से 2 घंटे लगातार इसको पहन करके गेमिंग करी बट मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, और इतनी गर्मी में मुझे इतने ज़्यादा पसीने नहीं आए जितने कि मेरे इस पुराने वाले हेडफोन में आ जाया करते थे। वैसे दोनों ही हेडफोन के प्राइस में और फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मेरा जो पुराने वाला हेडफोन था टूट चुका है, ये एक बेसिक हेडफोन था, तो इसका कोई कंपैरिजन करना नहीं बनता EKSA के इस E900 वाले मॉडल से। और दोस्तों इस गेमिंग हेडफोन में लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में इस तरफ रेड कलर की ल्यूमिनस LED लाइट हमें देखने को मिल जाती है जो कि ऑन होने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसकी भी मैं टेस्टिंग करके आपको वीडियो में आगे चल करके दिखाने वाला हूँ। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी पोर्ट्स की तो भाई लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर हमें 3 कनेक्टिविटी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इस बीच वाले में आप USB केबल लगा सकते हैं और बाकी दोनों में 3.5 mm जैक वाली केबल लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी केबल हमें इसके साथ में मिली है। तो दोस्तों एक तो ये माइक्रो USB केबल हमें इसके साथ में देखने को मिल जाती है जिसकी लेंथ अप्रोक्स 6 फिट है, और साथ में हमें देखने को मिल जाता है ये प्लगेबल ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन जो कि आता है लोक फीचर के साथ में। और यहाँ ऊपर की तरफ सामने हमें ये जो होल दिख रहा है यहाँ से हमारी साउंड रिकॉर्ड होएगी, और इसको आप किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी यार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और अब आप देख रहे हैं जो पिंक कलर का कोड है इसके पिन की तरफ, इसका मतलब ये है आपको इसको पिंक कलर के जैक में लगाना है। अंदर डालने के बाद जैसे आप इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं ये लॉक हो जाता है। और दोस्तों एक ये 1-2-2 ऑडियो स्प्लिटर केबल हमें इसके साथ में मिल जाती है जिसकी हेल्प से आप अपने ऑडियो के इनपुट और आउटपुट को स्प्लिट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में जिसके साथ भी अपने हेडफोन को कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आपके लैपटॉप में माइक्रोफोन और हेडफोन के सेपरेट पोर्ट्स हैं तो आपके लिए केबल बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और गाइज एक ये 3.5 mm प्लग वाली ऑडियो केबल भी हमें इसके साथ में मिल जाती है जो कि उसी लॉक फीचर के साथ में आती है, और इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्स 6 फिट है। और यहाँ पर एक कंट्रोलर देखने को मिल जाता है जिससे कि हम माइक्रोफोन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ठीक इसी के साइड में एक रोलर दिया गया है जिससे कि हम जो वॉल्यूम है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप इसकी जो LED लाइट वाला फंक्शन है या 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड वाला फंक्शन है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने डिवाइस को माइक्रो USB केबल के साथ में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं मोबाइल के साथ में इसको यूज़ करना, तो आप ये टाइप सी OTG केबल परचेस कर सकते हैं, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन 100 रुपीज़ के आसपास में। अगर यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये 7.1 वर्चुअल सराउंड सिस्टम होता गया है, तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ इसमें 8 चैनल्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पर अलग अलग 8 डायरेक्शन से आप साउंड का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए PUBG खेल रहे हैं और जो एनिमी है वो आपके राइट हैंड साइड में सामने खड़ा है, तो अगर मान लीजिए वो गन चला रहा है तो आपको उस सामने की राइट हैंड साइड पोजिशन से ही गन की चलने की आवाज़ आएगी और किसी जगह से नहीं आएगी। तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस हमें इस हेडफोन से मिल जाता है गेमिंग करते टाइम में। अब दोस्तों फटाफट से मैं एक बार आपको इसकी साउंड क्वालिटी और चेक करवा देता हूँ कि कैसी साउंड इस हेडफोन से प्रोड्यूस होती है। वैसे जो साउंड आप सुनेंगे वो इसकी जो एक्चुअल साउंड होगी उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, क्योंकि वो साउंड मैं आपको माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों बिल्कुल भी बोर मत ना होना यार, मैं जो म्यूज़िक आपको साउंड सुनाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ वो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, क्योंकि मुझे कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यूज़ करना है। तो चलिए फटाफट से एक बार साउंड टेस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों फटाफट से एक बार मैं आपको इसकी माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी और टेस्ट करवा देता हूँ, फिर मैं एंड में अपना फाइनल ओपिनियन दूंगा। तो दोस्तों अब जो आप साउंड सुन रहे हैं वो इस हेडफोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अब आप खुद ध्यान से सुन करके देख सकते हैं कि कितनी लाउड ये साउंड है, कितनी नॉइज़ बाहर की आ रही है। अभी यार इस समय फ़ैन मैंने बंद कर रखा है तो शायद से कोई सी भी नॉइज़ आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। अब एक बार हम फ़ैन को ऑन करके और चेक कर लेते हैं। तो गाइस अब फ़ैन मैंने ऑन कर दिया है, अब आप देख सकते हैं उसी स्पीड से मैं उसी लाउडनेस से मैं बोल रहा हूँ, अब कितनी लाउड मेरी साउंड आपको सुनाई दे रही है और कितनी नॉइज़ आ रही है फ़ैन की। अब एक बार मैं 5-10 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ और आप खुद ऑब्जर्व करना कि फ़ैन की कितनी नॉइज़ माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अब दोस्तों अगर मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूं, फिर जो इसका ऑडियो आउटपुट है उसको मैं 9.5 नंबर दूंगा आउट ऑफ 10। मुझे इसका ऑडियो आउटपुट काफ़ी अच्छा लगा, जो बेस था वो एकदम गजब का था, लाउडनेस भी काफ़ी ठीक थी, और जो 7.1 सराउंड साउंड वाला यार इसका जो फीचर है जो फंक्शन है वो एकदम ट्रू 7.1 सराउंड साउंड कहने लायक है, वो यार एकदम एक्यूरेटली काम करता है। तो ये वाला फीचर मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और जहाँ तक बात है इसकी बिल्ड क्वालिटी की वो भी मुझे काफ़ी सही लगी, और जहाँ तक बात है माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी की तो यार वो मुझे अबव एवरेज लगी। अब मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट ओवरऑल पूरा सही लगा। आप इसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इसका जो इस समय प्राइस चल रहा है वो 2199 रुपीज़ है, वैसे ये फ्लक्चुएट होता रहता है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। और यार Xbox One PS4 जैसे ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस के साथ में आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर और जितने भी हेडफोन्स इस रेंज में अवेलेबल हैं गेमिंग हेडफोन्स, तो उन सभी के लिंक्स भी मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वो सभी हेडफोन्स को अपने अकॉर्डिंग रैंक कर दिया है उनके प्राइस और फीचर्स के हिसाब से। तो वीडियो पूरा देखने के बाद में आप फटाफट से एक बार डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।